Hello, my dear students. Irina Sharma. Today I am going to start your first assignment, Hindi language. Bhasha. आज का अध्याय है प्रथम पाठ भाषा. भाषा किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि भाषा है क्या. अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना और अपने आप एक तरीका आता है जिसे भाषा कहते हैं. अपनी बात को कहेंगे, अगले इंसान को मेरी बात समझ में आएगी, वह सोचेगा, उसका जवाब दे पाएगा उस बात को सुनकर, इसे ही भाषा कहते हैं. भाषा में जिस प्रकार हम आपसे कह सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपने सोचा, आपको मेरी आवाज सुनाई दी, मेरी भाषा आपको समझ में आई और आपने सोचकर अपना नाम बताया कि मेरा नाम अंश है, यही भाषा है. आप इस किताब के माध्यम से भी देख सकते हैं कि विद्यालय में पहला दिन, बेटा आपका नाम क्या है, अध्यापिका एक छात्र से सवाल कर रही हैं. मैडम मेरा नाम आनंद है. उसने सुना, सोचा और समझकर अपना नाम बताया. खिलौने की दुकान में एक बच्चा खिलौने वाले से पूछ रहा है कि अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए. दुकानदार ने उससे खिलौने के बारे में पूछा. बच्चे ने उनमें से देखकर, सोचकर, उस दुकानदार की भाषा को समझकर अंकल से कहा कि मुझे वो रिमोट वाली गाड़ी चाहिए. इसमें दुकानदार बालक की पसंद का खिलौना पूछ रहा है और बालक अपनी पसंद बता रहा है. इसे ही भाषा कहते हैं बच्चों. भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे को अपनी बात को समझा पाते हैं. अब मैं आपको बताती हूं, भाषा के दो रूप होते हैं, बोलना, सुनना, जिसे हम मौखिक भी कहते हैं. दूसरा होता है लिखना और पढ़ना, जिसे हम लिखित कहते हैं. बोलना और सुनना, जब आपसे कुछ कहा जाए, आपने उस आवाज को सुना, समझा और उसका जवाब दिया. मैंने आपसे कोई प्रश्न किया और आपने उसका जवाब दिया, इसे मौखिक यानी ओरली, मुंह से. सिर्फ हम एक दूसरे से भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसे मौखिक भाषा कहते हैं. अभी मैंने आपके लिए लिखा है, बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा है, इसे लिखना कहते हैं. आप उसे पढ़कर समझ रहे हैं, उसे पढ़ना कहते हैं. मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखती हूँ, आप अपने लिए उस कॉपी पर पढ़ के बोर्ड से अपने लिए लिखते हैं, तो उसे पढ़ना और लिखना कहते हैं. इसी तरह से भाषा के चार कौशल होते हैं. कौशल मतलब कोई करतूत नहीं होता है, कौशल का मतलब होता है उसके रंग. भाषा कितने तरह से उसे हम समझा सकते हैं, इसे ही भाषा का कौशल कहते हैं. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के चार कौशल हैं. इन्हीं चार कौशलों के द्वारा हम अपनी भाषा को दूसरे के सामने समझा सकते हैं और अगले को समझ में आ सकता है. आज के आपके पाठ का यही मूल है कि भाषा दो तरह के होते हैं, मौखिक और लिखित, और भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. अगले सेशन में मैं आपको इसके संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तरी भी दूंगी, जिसे आप समझकर, लिखकर और अपने कॉपी में लिखकर रखिएगा, जिसे स्कूल के खुलने के बाद मैं उसे चेक भी करूंगी. धन्यवाद.